हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्षी शर्मा। आई टीच इन गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल मनी माजरा। आई हैव बीन अवार्डेड बाय एजुकेशन मिनिस्टर फॉर माय इनोवेटिव आइडिया एंड द टाइटल ऑफ माय आइडिया इज़ ग्रीन गुड डीड। ये इस आइडिया में बेसिकली प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए ये आइडिया हमने रखा था। इसमें हम बच्चों को सारा साल में कुछ ना कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड ज़रूर बताते ही रहते हैं, जैसे कि फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स, प्लांटेशंस, पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन वगैरह हर स्कूल में एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमेशा ही होते हैं। और इसके साथ ही मैं अपनी क्लास में डेली बेसिस पे ज़रूर कोई ना कोई एनवायरनमेंटल के लिए जो अच्छी हैबिट है बच्चों में, ज़रूर उनको बोलती थी करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जब लाइट यूज़ में ना हो तो लाइट ऑफ करो, पानी मत वेस्ट करो, पेपर पेज से अननेसेसरीली फाड़ के ऐसे वेस्ट मत करो, ये सब क्लासेस में मैं बताती थी। और मैंने धीरे धीरे नोट किया, बच्चे खुशी खुशी और बड़ी एक्साइटमेंट से ये सब चीज़ें फॉलो करते थे, और जो नहीं फॉलो करते थे उनकी शिकायत भी करते थे कि मैम उस बच्चे ने फिर भी पेज फाड़ा, आपने मना किया था, आपने समझाया था कि इससे पेड़ से पेज आता है वगैरह वगैरह, तो बच्चे नुकसान कर रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि बच्चे इस चीज़ को फॉलो तो कर रहे हैं। उन्हें फिर मोटिवेट करने के लिए मैंने क्या किया, क्लास में नोटिस बोर्ड पे एक चार्ट लगाया जिस पे हेडिंग दी ग्रीन गुड डीड। मींस जब भी आप एनवायरनमेंट के लिए कुछ भी अच्छा काम करें, आपको लगे कि आपने एनवायरनमेंट के बेहतरी के लिए अच्छा काम किया है, आप उसे वहाँ उस चार्ट पे आके लिखेंगे। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हुए इसके लिए, उन्होंने जो भी अच्छे काम करते थे वो ज़रूर लिखते थे। एक बच्चे ने लिखा, दो बच्चे ने लिखा, फिर बाकी बच्चों को भी एक मोटिवेशन था कि अरे मैंने भी अपना नाम उस बोर्ड पे लिखवाना है, मुझे भी कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। तो बच्चों ने उस तरह काम किया। फिर बच्चों ने मुझे उसके पिक्स भी भेजे कि अगर मैं कभी बोलती थी बच्चे झूठ नहीं लिखना यहाँ, जो आप सच में करते हैं वही आपने काम करना है, तो दे स्टार्टेड सेंड मी पिक्स, व्हाट्सएप पे फोटोज आती थी कि बच्चे ये काम कर रहे हैं। तो इससे मुझे बहुत खुशी हुई। इसके बाद पीटीएम वगैरह पे कभी पेरेंट्स आते हैं तो वो भी बताते हैं कि मैम ये तो बिल्कुल लाइट वेस्ट नहीं करता, ऑन रह जाए ना, फिर हमें बोलता है कि मम्मा आप चले गए रूम से, आपने लाइट ऑन रखी। काफ़ी मम्मी की मुझे ये आई थी, बताते थे वो आके कि जब सब्जी धोते हैं कहते हैं मैम हम टैप खोल के सब्जी धोते थे, और अब ये कहता है कि मम्मा टैप खोल के नहीं धोनी, आप एक बकेट में पानी ले लीजिए उसमें फिर सब्जियाँ धो, ऐसे टैप खोल के नहीं ऐसे करना, तो पानी ज़्यादा वेस्ट होता है। तो मैंने देखा बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट थी, और एक जब ऐसा नोटिस बोर्ड पे आ गया तो उन्हें एक दूसरे के साथ एक टाइप से कंपटीशन या मोटिवेशन कि इस तो बच्चे का आया है, मैं भी ज़रूर कुछ करूँगा, मैं लिखूँगा, इस तरह से बच्चों ने किया। तो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसे सोचा क्यों ना शेयर किया जाए। और इसके लिए मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इतना अच्छा मंच हमें दिया कि मैं ये आइडिया जो मुझे बेनिफिशियल लगा अपने बच्चों के लिए, अपनी क्लास के लिए, अपने स्कूल के लिए औरों से शेयर करूं। और उसी तरह जो बाकी पूरे देश से अलग अलग इतने अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ हमें वहाँ मिले, एक दूसरे से हमने शेयर किए, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम आशीष बहल है और मैं हिमाचल प्रदेश जिला चंबा राजकीय प्राथमिक पाठशाला कहारी में कार्यरत हूँ। मुझे 2020 में राष्ट्रीय नवाचार शिक्षक के रूप में सम्मानित किया गया, और ये सम्मान मुझे हमारे देश के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी के द्वारा जो है वो सम्मान प्राप्त हुआ। मेरे इनोवेटिव आइडिया के लिए जो मैंने एक इनोवेटिव आइडिया दिया था, जो जिसका नाम था बिग बॉस का घर, उसमें हम बच्चों को कुछ जो टास्क देते थे, जैसे बिग बॉस का एक सीरियल है उसी के हिसाब से हम बच्चों को कुछ टास्क देते थे कि वो उन्हें उन टास्कों को एक हफ्ते के अंदर पूरा करना होता था। जैसे कि मान लीजिए कि हम बच्चों को देते हैं कि आप अपने क्लासरूम की लंबाई और चौड़ाई लेकर और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम डायरेक्ट हमें उन क्वेश्चन ना देकर एक बॉक्स बना के उस बॉक्स के अंदर हम उस क्वेश्चन को डालते हैं और बच्चों को
एक उत्सुकता रहती है। हफ्ते में एक दिन हमने निश्चित किया हुआ है जिसमें हम बच्चों को वो एक कोई भी टास्क डाल देते हैं और बच्चे उसको उसको एक हफ्ते में पूरा करते हैं। इस तरीके से हम पर्यावरण का टास्क या फिर मैथ के संबंधित टास्क उन बच्चों को देते हैं। तो इस ये आइडिया मैंने बिग बॉस का घर इसका नाम रखा था और ये मैंने श्री अरबिंदो सोसाइटी की ZIIEI शून्य लागत जो इनका एक कार्यक्रम है उसमें भेजा था। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ श्री अरबिंदो सोसाइटी का और HDFC बैंक का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे जो है ये जो प्राइज जो था वो दिल्ली में माननीय शिक्षा मंत्री जी के हाथों में से मिला। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं इस सम्मान को 2 बार पा चुका हूँ। ये आप मेरे पीछे एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, ये माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी के द्वारा मुझे सम्मान देते हुए जो है वो दिल्ली में मेरा ये बहुत ही एक गौरवमय क्षण था। और साथ में श्री संभ्राज जी और भी जो भी श्री अरविंदो सोसाइटी के जो भी पदाधिकारी हैं वो इसमें हैं। तो ये एक सम्मान मुझे प्राप्त हुआ था। आप लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। श्री अरविंदो सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सभी को मेरा यथायोग्य अभिवादन। मैं हरिओम सिंह, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय पिरई, विकास क्षेत्र नवादा, जनपद कौशाम्बी से। आज मैं जो नवाचार आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, मुझे इस नवाचार मेरे इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला हुआ है ZIIEI द्वारा, जिसके बारे में मैं अब संक्षिप्त आपको इसकी जानकारी प्रदान करूँगा। और IIP इम्प्रूवमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट करने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि प्रायः ये देखा जाता था कि बच्चों को बच्चे गृह कार्य करके नहीं आते थे, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या हमारे विद्यालय में थी। और तो क्यों ना हम उन्हीं बच्चों के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करें, और जिससे बच्चे जो है बच्चों के द्वारा अपने साथियों के द्वारा जो प्रोत्साहन उनको मिलेगा, जिससे वो स्वयं गृह कार्य करने हेतु प्रेरित होंगे। और इस नवाचार जिसका हमने एक लोगो दिया हुआ था कि ये पढ़ाई के साथ भी और पढ़ाई के बाद भी, पढ़ाई के साथ भी पढ़ाई के बाद भी, हमने इसका लोगो इसलिए निर्धारित किया कि प्रायः देखा जाता है कि बचपन में जो चीज़ें सुधार हो जाती हैं वो फिर हमारे जीवन भर चलती हैं, जीवन पर्यंत चलती हैं। और इस इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बच्चों को एक मुफ्त में सुधारों का बॉन्ड प्रदान करना, इस हमारे इस नवाचार का जो मेन उद्देश्य है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत ये पूरी तरह से बच्चों के द्वारा गवर्न किया जाता है। और इसके तहत हमने एक बच्चे को एक मैनेजर बनाया हुआ था और एक बच्चे को हमने उसके सहयोग के रूप में रखा था, कैशियर के रूप में बनाया था। उस मैनेजर का काम ये होता है कि वो मैनेजर हर कक्षा से पहले अपनी एक एक एजेंट की नियुक्ति करता है अपने स्तर से, और उन एजेंटों का काम ये होता है कि बच्चे उन अपने अपनी कक्षाओं में लोगों अपने अपने साथियों से उनको प्रेरित करते हैं। और जिसके तहत उनको एक जैसे ही वो ये सहमति उनको मिल जाती है तो उनको एक बांड प्रदान किया जाता है। और बांड प्रदान करने के लिए सबसे पहले उन बच्चों को एक क्या एक फॉर्म भरना पड़ता है, वो फॉर्म जिसका प्रारूप इस कुछ ही इस तरह हो है, जिसके तहत जो है बच्चों को ये फॉर्म भरना पड़ेगा। और फॉर्म भरते ही उस मैनेजर के द्वारा उसको एक बांड प्राप्त होता है, और उस बांड के हिसाब से बच्चे 40 से 45 दिन रेगुलर काम करते हैं। और उस काम के प्रति करने के लिए यह है कि बच्चों को नैतिक रूप से जिम्मेदारी हो जाती है और बच्चे अपने स्वयं प्रेरणा से उस कार्य को करते हैं, जिसके तहत हमने 7 या 8 क्षेत्र हमने बनाए हुए पॉलिसी लेने के। तो जैसे ही बच्चा उस पॉलिसी को लेता है तो बच्चे को प्रीमियम के रूप में देना पड़ता है कि सबसे पहले बच्चे को सीखने की इच्छा, दूसरी चीज बच्चों को समय देना, और तीसरा जो रद्दी पेपर्स या जो जो बची हुई नोट शीट्स हैं उनका इसमें प्रयोग किया जाता है, वो उनको बच्चे को प्रीमियम के रूप में दिया। तो बॉन्ड भरता है और बच्चा उस पॉलिसी लेता है। जैसे हमारे इसके अंतर्गत हमने 8 पॉलिसियाँ निर्धारित की हुई है, और निबंध लेखन, कविता लेखन, विचार लेखन, इस टाइप से 8 पॉलिसियाँ हैं। जैसे सपोज करिए बच्चे ने निबंध लेखन की बॉन्ड भर दिया और पॉलिसी ले लिया, तो उसको पर डे जो है मैनेजर जो हमारे हैं मैनेजर के अनुसार उनको कार्य दिया जाएगा, और बच्चे स्वयं प्रेरणा से अपने उस कार्य को करके आएंगे। और जैसे ही करके आएंगे
तो वो ये जो डिब्बा है, ये जो एक बॉक्स है, इस बॉक्स में अपने किए हुए कार्य को और डालेंगे, और वो जो कार्य होगा वो ऐसा होगा कि वो रद्दी पेपर्स में जो बच्चे प्रायः फेंक देते हैं, तो उन रद्दी टुकड़ों का प्रयोग करके और इस पे और लिख करके बच्चा घर से लाएगा और इसमें अपने कार्य को डाल देगा। और इसके बाद शाम को 2 बजे करीब मैनेजर द्वारा इसका क्लियरेंसिंग का कार्य किया जाता है, जिसके तहत जो जो उनके जो सहयोगी होते हैं दोनों के द्वारा, और इसके बाद उससे आज उस बच्चे को जिस बच्चे की पॉलिसी का कार्य आया हुआ है उसको सामने बुलाते हैं मैनेजर, और उसकी गलतियों को चिन्हित करते हैं और कैसे उसमें क्या सुधार होना है वो चीज़ बताते हैं। और जैसे ही अगर अच्छा उनका कार्य होता है तो उनको एक रजिस्टर मैनेजर के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें बच्चे का नाम होता है और बच्चे की उसके आगे उसकी डेट पड़ी होती है। तो जिस दिन बच्चा जो कार्य होता है उसमें अगर मान लिया आज 27 तारीख है और बच्चा अच्छा कार्य किया हुआ है, तो मैनेजर उसको ई प्रदान कर देते हैं, उसके नाम के आगे और उस डेट के आगे ई लिख देते हैं, जिसको एक्सीलेंट के लिए हमने शॉर्ट रूप में ई ले लिया हुआ है। इसके बाद जैसे ही बच्चा ये काम बराबर करता रहता है, और करने के बाद लगभग 15 दिन के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन करने के बाद ये देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चा ई प्राप्त किया हुआ है, उस बच्चे को एक छोटा सा कार्यक्रम किया जाता है। कार्यक्रम में वही मैनेजर के द्वारा ही किया जाता है, और उन बच्चों को टॉफी हो गया, पेंसिल, पेन और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को दे करके और बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। ये प्रक्रिया हमारी 40 से 45 दिन चलती है, और 40 से 45 दिन बाद ये देखा जाता है कि जिस दिन बच्चे ने बॉन्ड को भरा हुआ है तो उस दिन के कार्य से, और 40-45 दिन के बाद जो कार्य किया हुआ है करने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, ये देखा जाता है। और धन्यवाद है जो शून्य निवेश नवाचार और जेड आई आई ई आई तथा HDFC बैंक का टीम के द्वारा आज हमें ये ऑनलाइन एग्जीबिशन के माध्यम से अपने इस नवाचार को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਮੋਨਿਕਾ ਕੀਪਲ, ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ, ਆਈ ਐਮ ਵਰਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਇਨ ਲਿਟਲ ਫਲਾਰ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਸੰਗਰੂਰ। ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅਵਾਰਡਿਡ ਬਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੋਰ ਮਾਈ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆ ਇਨ ਨਿਊ ਡੇਲੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੌਲੇਜ ਕਮਸ ਵਿਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਐਂਡ ਇਫ ਵੀ ਵਿਲ ਟੀਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ with experimental methods, the results are always fruitful. The name of my activity is Connect with Roots through Traditional Cooking. Punjabi de vich ik kahawat hai ji, tidd na paiyan rotiyan te sabbe gallan khotiyan. If you don't know how to cook, if you don't know how to make both ends meet, it would be really difficult for you to survive in this modern world. Food is a factor that binds all together. So the main source of attraction was our traditional chulha, which I made with the help of students like with mud, water and bricks one day before. The students were full of enthusiasm. So the things like earthen pots, tongs, choppers, vegetables, flour, etc. also were arranged by students and teacher. Students also burnt midnight oil in thinking or in planning all these things. So the duties were already allotted and we have chosen playground. So students have cooked chapatis, some were round in shape, very attractive, some were not also, they were making fun of each other, but all were enjoying a lot. Even they were invited, they were inviting all the teachers, the principal of our school also, respected sister Ruth, she was also very happy and motivated the students. Even they took a feeling of perfect dhaba. On one chart paper, they have written dhaba mitranda. And they have learned many values through this activity. Come to know that they should not waste food.
They come to know the efforts of their mothers. Even they promise that they will also help their mothers in kitchen. So they took pride in chopping vegetables, lighting fire and cooking. They promised that now they will believe in caring and sharing. I am really very thankful to Aurobindo Society, Sri Aurobindo Society and HDFC Bank for their tireless efforts. So they are providing a wonderful plot to all the teachers in whole India, and surely it would be helpful in coming years also for the development of our nation. So hats off to Sri Aurobindo Society and HDFC Bank. Thank you. Sat Sri Akal ji. मैं राजेश कुमार शर्मा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सूलिया, जिला झालावाड़, राजस्थान से हूँ। मुझे आज मानव संसाधन विकास मंत्री जी के करकमलों से राष्ट्रीय स्तर का ये पुरस्कार मिला है, नेशनल अवार्ड मिला है। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि JEE द्वारा और अरबिंदो सोसाइटी द्वारा ये जो आयोजन किया गया है, राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन किया गया है, इस सम्मेलन में मुझे शिक्षा में नवाचारों के लिए सम्मानित किया गया है। मेरा शैक्षिक नवाचार जीरो इन्वेस्टमेंट वाला था, जिसमें मैंने घर घर जाकर के सरकारी स्कूल की योजनाओं को ग्रामीणों को बताया, जैसे पोषाहार योजना, निःशुल्क लैपटॉप वितरण योजना, निशुल्क साइकिल वितरण योजना। इसके अलावा हर सप्ताह अलग अलग मेनू बदल करके जो मिड डे मील दिया जा रहा है, उससे ग्रामीण अभिभावक ज़्यादा प्रभावित हुए और मेरे स्कूल में नामांकन में वृद्धि हुई। जहां मेरे विद्यालय का नामांकन 350 था, वह नामांकन का लक्ष्य 500 से ऊपर निकल गया, तो मुझे खुशी हुई। घर घर जाकर के योजनाओं को बताना, किसी प्रकार का इसमें कोई रुपया खर्च नहीं होता है और अभिभावकों से सीधा संवाद भी होता है। मैं विभिन्न राज्यों से पधारे हुए शिक्षकों से यही कहना चाहूँगा कि मैंने जीरो इन्वेस्टमेंट के जो नवाचार उपयोग में लाया है, वो आप भी अपने सरकारी विद्यालयों में लाएं। सरकारी विद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए ज़रूरी है कि भौतिक संसाधन हो। तो मैंने जब मेरे विद्यालय में भौतिक संसाधनों की कमी देखी, तो मैंने स्थानीय ग्रामीणों से, भामाशाहों से संपर्क किया और विद्यालय में विकास कार्य करवाया। विद्यालय में विकास कार्य होने के बाद नामांकन में वृद्धि हुई, शिक्षा में गुणवत्ता आई। साथ ही मैंने एक खिलौना बैंक की स्थापना भी विद्यालय में करवाई, जिसमें कक्षा 1 से 5 कक्षा तक के बच्चों के लिए आधुनिक खिलौना बैंक की स्थापना की गई, जिसमें हिंदी, गणित, अंग्रेजी के विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए शैक्षिक सहायक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे बच्चों में रुचिपूर्ण शिक्षण के प्रति जागृति आई है और बच्चे विद्यालय में खुशी खुशी आते हैं और खुशी खुशी जाते हैं। हर कालांश में शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से गतिविधि आधारित शिक्षण करते हैं और विद्यालय में शिक्षण के दौरान जो रोचकता दिखाई दी है, वो कहीं ना कहीं इस छोटे से प्रयास से संभव हुई है। मैं अरबिंदो सोसाइटी का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने आज ये सम्मान समारोह आयोजित कर राष्ट्र भर के विभिन्न प्रांतों से शिक्षकों को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। व्यवस्था बहुत अच्छी रही, सभी ने मिलकर के इस कार्यक्रम को सजाया है, संवारा है। कार्यक्रम में हर जगह, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे समारोह स्थल की व्यवस्था हो, मुझे बहुत पसंद आई। मैं आज सम्मानित होने वाले मेरे सभी साथी शिक्षकों को हार्दिक बधाई देता हूँ। अलग अलग राज्यों के द्वारा शिक्षकों ने जो नवाचार किए, उन नवाचारों को जानने का जो अवसर दिया, इसके लिए मैं
ZII का आभारी हूँ और पूरी टीम को मेरी ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ, पूरे राजस्थान प्रदेश की ओर से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, मैं वंदना भटनागर बैंगलोर से और मैं इंडो एशियन वुमेन्स डिग्री कॉलेज में हिंदी प्राध्यापिका के पद पर पदस्थ हूँ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी श्री अरिविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक का, जिन्होंने मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना और सम्मानित किया। अब बात करते हैं हमारे आइडिया की। जो आइडिया था मेरा, आज के युवा वर्ग के कहीं आसपास ही घूमता है। जैसा कि हम सबको पता है कि आजकल जो ज्वलंत समस्या है हमारे देश की, हमारे समाज की, वो है हमारे बच्चों का जो मोबाइल है या टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव होना, एडिक्शन होना। किसी भी टेक्नोलॉजी को का प्रयोग करना गलत नहीं है और आज के युग की तो ये मांग है कि हम टेक्नोलॉजी में आगे जाएं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और उसका फ़ायदा उठाएं। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ था कि बच्चे कुछ ज़्यादा ही उसके साथ में जुड़ते जा रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि समाज में ऐसे बहुत से बच्चे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो मेरा मुद्दा उनसे उनको उनके मेरा जो आइडिया था उनको उनके जो मोबाइल है या टेक्नोलॉजी से अलग करना बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसमें एक शक्ति का, एक इंफॉर्मेशन का, एक जानकारी का एक संचार करना था। तो उसके लिए मैंने अपना कार्य क्षेत्र जो चुना वो चुना अनाथ आश्रम, जिसमें बहुत तरीके के बच्चे वहाँ पे रहते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं हैं, या उनकी मम्मी है तो पापा नहीं है, या किसी तरीके से वो नहीं अपने फैमिली के साथ में है, अपने परिवार के साथ नहीं है और उन आश्रमों में वो रह रहे हैं। तो उनके लिए कुछ किया जाए और अपने बच्चों के साथ में जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको भी उसमें सम्मिलित किया जाए। उसके रहते हमने यहाँ पे एक आश्रम में लाइब्रेरी, पुस्तकालय खोलने का निर्णय किया। अब बात आती थी कि हमारे पास जो 100 लड़कियों की टीम थी NSS की, उसको कैसे बच्चों को सबको एक साथ में लेके आया जाए। उसके लिए हमने अपने बच्चों के साथ में ही एक कैंपेनिंग शुरू किया, एक अभियान शुरू किया, जिसमें हमने उनको इस चीज़ की जानकारी देना शुरू किया। साथ में जब हमारा एक अच्छा सा एक ग्रुप तैयार हो गया, उसके बाद हमारी सबसे बड़ी वो चैलेंज कह लीजिए कि हम किताबें कहाँ से लाएं। तो किताबों के लिए भी किसी ने भी कोई किताब भी नहीं खरीदी। उसके लिए हमने कुछ सोसाइटीज़ में अप्रोच किया, वहाँ पे जाके उनको बताया कि हम किस उद्देश्य को लेकर हम किताबें इकट्ठे कर रहे हैं। तो हमें वहाँ से किताबें मिली, कॉलेज में हमने कैंपेनिंग किया और वहाँ से किताबें इकट्ठी करी। इस तरीके से हमने अपनी लाइब्रेरी के लिए सभी जो आवश्यक किताबें थी उनको इकट्ठा किया और उसको ले जाके हमने अपनी लाइब्रेरी में वहाँ पे स्थापित किया, जिसमें हमारे जितने भी बच्चे थे, हमारे जो टीचर्स थी हमारे कॉलेज के, उन्होंने भी पूरा पूरा सहयोग दिया। बात आती है सिर्फ लाइब्रेरी की नहीं, अब आती है कि सिर्फ लाइब्रेरी को स्टार्ट करना क्या काफ़ी था? नहीं, इसके लिए ज़रूरी था कि हम वहाँ निरंतर जाएं, बच्चों के साथ में हिलें मिलें और उनको उन किताबों को, जो किताबें हमने वहाँ रखी हैं, उनको पढ़ना या उसको प्रयोग में लाना सिखाएं। तो उसके लिए हमारे जो वॉलेंटियर्स थी, हमारी जो छात्राएं थी, वो हर हफ्ते एक दिन निश्चित करके वहाँ पे जाना शुरू किया और उनको बच्चों को किताबें पढ़कर बताया और पढ़ना सिखाने का प्रयास किया। इसके साथ में जब हमने इसको एक दो महीने के बाद थोड़ा सा रिव्यू किया कि बच्चों में किस तरीके का परिवर्तन है या किस तरीके का अब उनकी मानसिकता है, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने ये समझा कि अब बच्चे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, फोटो में सिर्फ सेल्फी लेना उनका उद्देश्य नहीं है, अब उनका उद्देश्य है कुछ अच्छा करने का प्रयास करना, जिसमें वो बच्चे बहुत ही अपने पूरे उसके साथ में, अपनी पूरी शक्ति के साथ में, अपने पूरे डिवोशन के साथ में वहाँ जाते थे और बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करते थे, उनके साथ में सम्मिलित होते थे, उनके साथ खेलते भी थे, उनके साथ खानते भी थे और उनके साथ में उनको पढ़ाते भी थे।
तो बाद में जब हमने इस चीज को समझा तो बच्चों ने खुद ये बोला कि नहीं, अब हम लोग यहाँ आते हैं हम इनके साथ में समय व्यतीत करने के लिए, अब उनका उद्देश्य फोटो लेना, सेल्फी लेके सोशल मीडिया पे पोस्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने शुरुआत एक बहुत छोटे स्तर से की थी, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया और मुझे जितना मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना अच्छा मुझे उसका रिस्पांस मिलेगा, वो मुझे मेरे बच्चियों के द्वारा, मेरी छात्राओं के द्वारा मुझे मिला। इसके लिए मैं अपनी छात्राओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके इस कार्य में मेरा पूरा पूरा साथ दिया। अंत में एक बार फिर मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी श्री अरविंदो सोसाइटी का और HDFC बैंक का, जिन्होंने मुझे इस राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना और सम्मानित किया। धन्यवाद।